आज का प्रातः क्लास है सात अगस्त 1968। बाप कहा जाता है करण करावन हार को, करता भी है और कराता भी है।
किस रूप में करता है और किस रूप में कराता है? गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, ब्रह्मा माता के रूप में कर्म करके दिखाता है और बाप शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में बच्चों से कराता भी है। इसलिए करण करावन हार कहा जाता है। करण शब्द पहले और करावन हार बाद में। पहले खुद करके दिखाता है, तुम साहबजादों को भी समझना चाहिए, क्योंकि इस शक्ति में तुम ऊंच से ऊंच हो। क्या बात समझना चाहिए कि बाप करणहार भी है, करके दिखाता भी है ब्रह्मा द्वारा। उसके बावजूद भी अगर देखकर बच्चे नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो येन केन प्रकारेण खुद करे या न करे, ऐसे रूप के स्वरूप के धारण करने के आधार पर बच्चों से कराता जरूर है। समझना तुम बच्चों को चाहिए, क्योंकि तुम ऊंचे से ऊंचे पाठधारी हो और धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स तो नंबर वार हैं, परंतु तुम तो ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हो और डायरेक्ट बच्चे हो, सन्मुख पढ़ाई पढ़ने वाले हो, इसलिए ऊंचे से ऊंच हो। और धर्म के फॉलोअर्स डायरेक्ट बाप से पढ़ाई नहीं पढ़ते, वो अपने धर्म पिताओं के द्वारा पढ़ेंगे। सन्मुख बाप के आकर के नहीं पढ़ते हैं और सन्मुख आकर बैठते भी हैं तो मन बुद्धि से विमुख होकर रहते हैं। संशयात्मक बुद्धि होती है, इसलिए उनको ऊंचे से ऊंचे नहीं कह सकते। तो समझो कि तुम साहबजादों का कितना ऊंच पोजीशन है। समझदार मनुष्य जात को ही कहा जाता है और मनुष्य जाति में भी वैरायटी धर्म के लोग हैं। नंबरवार समझदार कहेंगे, परंतु तुम तो सबसे ऊंच हो। समझना चाहिए कि हम साहबजादे हैं, हम साहब की मत पर फिर से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। अपनी मत पर या मनुष्यों की मत पर या कोई महात्मा सिद्धात्मा धर्म पिता की मत पर नहीं, ऊंच से ऊंच बाप की मत पर राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये बात भी सभी बच्चों की बुद्धि में नहीं याद रहती है।
क्यों क्यों याद नहीं रहती है? क्योंकि ये राजयोग की पढ़ाई है। राजयोग द्वारा जिनों के जीवन में लक्ष्य पूर्ति होनी है, इसी जीवन में राजा बनने वाले हैं श्रीमत पर चलकर, उन्हीं की बुद्धि में याद रहता है। बाबा सभी संतों के बच्चों के लिए कहते हैं और अनेक सेंटर्स हैं, बुद्धि में ये सदैव याद रहे हम बाबा की श्रीमत पर फिर से इस विश्व में सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये दो अक्षर हैं, सुख और शांति। और कोई धर्म के फॉलोअर्स ने, धर्म पिता के बच्चे ने संपूर्ण सुख शांति का राज्य स्थापन नहीं किया तो तुमको तो ये दो अक्षर खास याद करने हैं, सुख और शांति। इसके लिए तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है, बुद्धि कितनी विशाल होनी चाहिए, जो जामड़ी बुद्धि वाले हैं वो थोड़े ही इस ज्ञान में चल सकते हैं। क्योंकि अपन को साहबजादे साहबजादी नहीं समझते, साहबजादे समझो तो साहब पाप भस्म हो जावे। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको सारा दिन बाप की याद रहती ही नहीं है और हम साहब जादे हैं ये भी बुद्धि में याद नहीं रहता। नहीं तो स्कूल में स्टूडेंट्स तो जानते हैं ना कि हमको कौन सा टीचर पढ़ाते हैं, असिस्टेंट टीचर पढ़ाते हैं या सुप्रीम टीचर पढ़ाते हैं। अपन को देखना चाहिए हमारी बुद्धि डल क्यों हो जाती है। सेंटर पर ऐसे ऐसे रहते हैं जिनकी बुद्धि में है ही नहीं कि हम श्रीमत पर विश्व में सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं। अंदर में वो नशा और झलक होनी चाहिए कि ऐसा राज्य दुनिया में कोई भी नहीं स्थापन कर सका। बाहर की बात नहीं है, मुरली सुनने से ही रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। यहाँ तो बाप देखते हैं बच्चों की और ही रोमांच डेड रहती है। बहुत बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में ये याद ही नहीं रहता हम श्रीमत पर बाबा की याद से विकर्म विनाश करके अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। अपने ही ज्ञान का नशा चढ़ जाता है, अहंकार आ जाता है। तुमको तो बाबा रोज समझाते हैं तुम वारियर्स हो,
तुम्हारी माया की युद्ध है। रावण पर जीत पाने वाले हो तो तुम बच्चे जानते हो, बाप बंदर बुद्धियों को ही मंदिर लायक बनाते हैं, परंतु इतना नशा और इतना खुशी रहती नहीं है। कोई छोटी मोटी चीज भी न मिली तो बस माया की जंजीर में जकड़ जाते हैं, फंस पड़ते हैं, लड़ने लग पड़ते हैं। अब तुम्हारी खुशी, तुम्हारा मान मर्तबा, तुम्हारा कारोबार वंडरफुल होना चाहिए, नहीं तो क्या क्या किचड़ा इकट्ठा करती रहती है। इस अंतिम जन्म के देह के संबंधियों को भी नहीं भूलते, ये भी नहीं समझते हैं कि ये इस जन्म के तमो प्रधान संबंधी हैं। सब दुखदायी हैं। ऐसे फिर बाप को क्या याद करेंगे? कोई भी चीज न मिली तो बस रूठ पड़ेंगे। हो हल्ला मचाए देंगे। बाबा को तो वंडर लगता है बच्चों की ऐसी अवस्था पर। चने न मिले, अचार न मिला तो बस दम चक्कर मचाए देंगे। अब बताओ वो क्या पद पावेंगे? वंडर लगता है इनकी अवस्था पर। नहीं तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अगर अपन को साहब जादे समझो तो फिर कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहती। योग बल की वो अवस्था होनी चाहिए, समझना चाहिए। बाबा तो हमको रोज इतना अच्छा खजाना देते हैं जो 21 जन्म तक हमको कोई से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहेगी। इतना नशा रहने चाहिए, परंतु बिल्कुल ही दम जामरी बुद्धि बन पड़े। नहीं तो एक एक बच्चे की 7 फुट की बुद्धि होनी चाहिए। शरीर तो 5-6 फुट का होता है और बुद्धि की लंबाई उससे भी ज्यादा। बाप कितना बच्चों को उल्लास में लाते हैं। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं ना, तो बुद्धि विशाल होनी चाहिए या देहवान विशाल होना चाहिए? तुम साहब जादे हो, तुम्हारे मुकाबले दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल ही जंगली जानवर हैं। राक्षस हैं, हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य हैं। उनको तुम समझाते हो, परंतु तुम तो सिर्फ यह समझो कि हम बाप के सामने बैठे हैं। बाप को याद करते रहेंगे
तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म होते रहेंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे माया तुम्हारा बड़ा कड़ा दुश्मन है, औरों का इतना दुश्मन नहीं है। किन औरों का? जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण हैं, या जो और 500 करोड़ की दुनिया है, लेकिन तुम्हारा माया कड़ा दुश्मन है। और लोग तो जानते ही नहीं है, इतनी तुच्छ बुद्धि है कि बाप कोई नहीं जानते। उनको आसुरी बुद्धि कहा जाता है। बाबा रोज रोज तुम बच्चों को उठाने के लिए समझाते रहते हैं, तुम साहब जादे हो, बाप को याद करो और दूसरों को भी। बाप समान नहीं तो कम से कम आप समान तो बनाते रहो। तुम हंसी कुड़ी में कोई कोई ये भी समझा सकते हो, भगवान तो सच्चा साहब सच्चा मालिक है ना, तो हम उनके बच्चे हैं, साहब जादे हैं, साहब जादियां हैं। तुम्हारी बुद्धि में चलते फिरते ये याद रहे। और सर्विस में तो दधीच ऋषि मिसल हड्डियां भी दे देनी है। और यहां हड्डियां तो देना क्या, बच्चे तो समझते हैं हम यहां आए हैं अथाह सुख लेने के लिए। हड्डी निकाल के देने में तो कितना दुख होता होगा। और ये उल्टी आशाएं लेकर के बैठ जाते हैं, उनको फिर सर्विसेबल कहेंगे क्या? तुम्हारी तबीयत इन विनाशी चीजों से कोई थोड़ी ही अच्छी हो जाएगी। समझते हैं कास्टली दवाई मिले तो हम ठीक हो जाएंगे। डिलीशियस भोजन मिले तो हम ठीक हो जाएंगे। अरे दुनिया में तो कितने बड़े बड़े साहूकार पड़े हैं, बड़े बड़े वैद्य लोग उनको सोने की भस्म खिलाते हैं, फिर भी जिनको मरना होता है मर ही जाते हैं। बीमारी बढ़नी होती है तो बढ़ ही जाती है। समझते नहीं है कि पूर्व जन्म के कर्म भोग हैं, वो कर्म भोग भोगने बगैर बीमारी खलास नहीं हो सकती है। तो यहां तो बच्चों को हड्डी देना तो क्या, अथा सुख चाहने की चाहना रहती है। अब तबीयत ठीक करने के लिए तो चाहिए याद की यात्रा। तुम्हारी 2500 साल के लिए तबीयत ठीक हो जाएगी। फिर इसके लिए वो खुशी भी रहनी चाहिए। अरे हम तो कल्प कल्प माया से जीत पाते आए हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद माया हमें पूरा ही हराए देती है।
फिर हम जीत पहनते हैं और बाप ही आकर के हमको जीत पहनाते हैं। सोचना चाहिए अभी भारत में कितना दुख है। तुम बाप के बच्चे बने हो, तुमको तो इतना दुख नहीं है, बाहर की दुनिया वालों को तो कितना अथाह दुख है। और अभी तो और ही अथाह दुख आने वाला है। दुनियावी लोग तो समझते हैं कि एरोप्लेन की दुनिया है, मोटरें हैं, महल हैं, बस यही हमारे लिए स्वर्ग है। ये नहीं समझते हैं, ये तो अल्पकाल का 200-250 साल का माया का पाम्प एंड शो है, जो अभी कुछ ही वर्षों में खलास होने वाला है। लाखों करोड़ों अरबों खर्च करते रहते हैं दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए, कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, और लड़ाई का सामान भी कितना खरीदते हैं। ऐसे लगता है कि एक दो को खत्म ही करने वाले हैं। बाप कहेंगे ये तो निर्धन के हैं ना, कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, बात मत पूछो। इस दुनिया में सभी तरफ कीचड़ा लगा पड़ा है। इनको कहा जाता है नरक। दुष्ट संकल्पों का कीचड़ा, दुष्ट दृष्टि का कीचड़ा, गंदी बातों का कीचड़ा, गंदे से गंदे कर्मों का कीचड़ा, रौरव नरक है। स्वर्ग की तो बड़ी भारी महिमा है। तुम बड़ौदा की महारानी से जाकर पूछो, तुम्हारा महाराजा कहाँ गया, तो कहेंगी स्वर्गवासी हुआ। किससे पूछो? बड़ौदा की महारानी से। ब्राह्मणों की दुनिया में बड़े से बड़ा दादा कौन है? है कौन? उनका नाम रखा दादा। कहते भी हैं ज्यादा दादागिरी दिखाते हो। अब दादा तो कहा जाता है बड़े भाई को। बड़े भाई को तो नशा रहता है कि अब सारे राज्य का कारोबार हमारे हाथ में आने वाला है। तो बोला बड़ौदा की महारानी से पूछो, तुम्हारा महाराजा कहाँ है? कहेंगी स्वर्गवासी हुआ। अब स्वर्ग किसको कहा जाता है ये भी तो कोई जानते नहीं है।
स्वर्ग कहा ही तब जाता है जब दुनिया के लोग सारे के सारे सही स्थिति में स्थित हो जाए, उस दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग। वहां कोई भी भूत प्रेत नहीं बनता, सूक्ष्म शरीरदारी वहां होते ही नहीं। कितना घोर अंधियारा है, पहले तुम बच्चे भी घोर अंधियारे में थे, अभी बाप कहते हैं मैं तुमको ईश्वरीय बुद्धि देता हूं। सात आठ अड़सठ की वाणी का दूसरा पेज। तो अपन को ईश्वरीय संतान साहब जादे समझो, साहब पढ़ाते हैं शाहजादा बनने के लिए। बाबा पहाका भी सुनाते थे, रीढ़ बकरियां छा जाने, अर्थात जो भेड़ बकरियों की बुद्धि है वो नहीं समझ सकती कि स्वर्ग क्या चीज होती है। भेड़ बकरियों का ही नाम क्यों लिया? क्योंकि यज्ञ के आदि में जो स्वर्ग का मॉडल स्थापन किया था कराची में, वो मॉडल जड़ था और वहां रहने वाली भेड़ बकरियों की बुद्धि भी कैसी थी? जड़त्वमयी बुद्धि थी। उनकी बुद्धि में ये बैठ ही नहीं सकता कि स्वर्ग क्या चीज होती है। अभी तुम समझते हो कि उस दुनिया के सभी मनुष्य रीढ़ बकरियां हैं, इस दुनिया के तुम कौन सी दुनिया में बैठे हो? पुराने जन्म में बैठे हो या नए जन्म में ब्राह्मण का जन्म लेकर बैठे हो? ब्राह्मण जन्म में हम बैठे हैं, ब्राह्मणों की दुनिया ही अलग है। तुम ब्राह्मण ऊंचते ऊंचपुरी के हो, अभी तुम समझते हो कि हमारे सिवाय वो और जो भी ब्राह्मणों के संगठन हैं वो सब रीढ़ बकरियां हैं। देश के में जो ब्राह्मण बैठे हुए हैं उनको क्या कहेंगे? उनमें पुरानी दीदी दादियां भी बैठी हुई हैं, जिन्होंने वो कराची का स्वर्गीय संगठन का मॉडल देखा था, अनुभव किया था। जब उनकी बुद्धि में नहीं बैठ रहा तो औरों की बुद्धि में कैसे बैठेगा? कुछ भी नहीं जानते। क्या क्या बैठ करके उपमाएं करते रहते हैं, वही शास्त्रों की ट्रां ट्रां करते रहते हैं। बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में शास्त्र कौन से हैं? है? किसे कहें? दबके क्यों बोलते हैं? जो कागज की मुरली है
वो कागज की मुरली के वही वही माँ वाक्य रिपीट करते रहते हैं। जैसे बरसात के दिनों में मेंढक क्या करता है, कोई नई आवाज करता है क्या? नहीं, क्या करता है? वही ट्रा ट्रा, बार बार वही ट्रा। नई बात, नया अर्थ कुछ भी निकलता ही नहीं। जैसे कि बरसाती मेंढकों की महफिल लगती है ना, कुछ भी समझते नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि में तो सारी सृष्टि के आदि मध्यंत का सारा राज बैठा हुआ है। तो ये अच्छी रीति याद करो कि हम सारे विश्व में सुख शांति की स्थापना कर रहे हैं। विश्व पिता की मत पर, जो उस बाप के मददगार बनेंगे वो ही ऊंच पद पाएंगे। सीधा साधा हिसाब है। और जितना जितना मददगार बनेंगे उतना उतना ऊंच पद पाएंगे। और वो बात तुम देखते भी हो कि कौन कौन मददगार बन रहे हैं। अपने दिल से हरेक पूछे कि हम बाप की क्या मदद करते हैं। कहीं हम ऋण बकरियां तो नहीं है? नहीं तो बकरे बकरियों को अहंकार कितना रहता है। कैसे सारा दिन क्या आवाज निकलेगी, मैं। अगर उनको कुछ बताओ तो और ही गुरुर गुरुर करने लग पड़ते हैं। वो बल तुमसे अहंकार से बात करें, गुस्से में आकर के बात करें। तुमको तो बात की याद में रहना चाहिए। क्या सहन कर लेना चाहिए। जानते हो कि हमको तो बाप की सेवा में हड्डियां देनी है, तो थोड़ी बात सहन कर ली तो क्या बड़ी बात हुई। नहीं तो दुनिया में गायन तो है, हराम जादे साहब जादे और फिर शाह जादे। बाबा ने तो तीनों ही बातें अर्थ सहित समझाई है। ऊंच पद पाना है तो हड्डी हड्डी स्वाहा करके सर्विस करनी है। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों से बात कर रहे हैं, जितना हो सके सेवा में हड्डियां देनी है। किसी को नाराज नहीं करना है और न खुद नाराज होना है। और फिर अहंकार भी नहीं आना चाहिए कि हमने इतना सहन किया, हम यह सेवा करते हैं। हम कितने होशियार हैं। अगर ये बात भी बुद्धि में आती है तो कहेंगे दे अभिमान है। दे अभिमानी को ही हराम ज्यादा कहा जाता है।
उनकी चलन ही ऐसी होती है जो आगे चल के उनको अपने ऊपर ही बहुत शर्म आवेगा, नहीं तो तुम्हारे जैसा सुखी और कोई हो नहीं सकता। ये दुनिया में जो भी किंग और क्वीन कहे जाने वाले हैं वो सभी मर जाने वाले हैं। जो भी बड़े बड़े आदमी हैं, अखबारों में फोटो निकलते रहते हैं, रेडियो टेलीविजन में उनके फोटो आते रहते हैं। बुद्धि में रहना चाहिए, ये सब कहाँ हो जाने वाले हैं। ये बात बुद्धि में याद रहे तो तुम चमकते रहो। सेंटर्स में कोई अच्छे अच्छे महारथी हैं, कोई घोड़े सवार भी हैं, उनमें बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। देखने में आता है कैसी अच्छी अच्छी ब्राह्मणी हैं, कोई तो बहुत ही मददगार हैं, सर्विस में उछलती रहती है, कितना खुश होती है। इसलिए बाप कहते हैं कि रीढ़ बकरियां क्या जाने रचयिता बाप और रचना के आदि मध्यंत को, तुमको कितना नशा चढ़ा रहना चाहिए। सर्विस बिगर क्या पद पावेंगे। माँ बाप को तो बच्चों के लिए रिगार्ड रहता है ना, परंतु ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो अपना रिगार्ड खुद ही नहीं रखते, तो फिर बाबा ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे। बाप का संदेश देते रहना है। बाप कहते हैं मन मना बब, बस गीता में भी कुछ अक्षर हैं, परंतु आटे में लून मिसल है। बुद्धि में सारी दुनिया की थोड़ी थोड़ी जानकारी भी रहनी चाहिए। ये सेज नहर है, ये पनामा नहर है, बुद्धि में आना चाहिए कितनी बड़ी दुनिया है। और इतनी बड़ी दुनिया में कितने करोड़ों मनुष्य हैं। ये फिर कुछ भी नहीं रहेंगे, कोई खंड का नाम निशान नहीं रहेगा। क्योंकि तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। भारत खंड में ही स्वर्ग की स्थापना होती है। ये दिन रात खुशी रहनी चाहिए। नाली तो बहुत सहज है, समझाने वाले भी बड़े रमतू रमजवाज चाहिए। हेड ऑफिस है ना, परंतु क्या करें, म्यूजियम आदि खुलते रहते हैं तो कहते हैं बाबा हमको सर्व से बुलबूझो। यहाँ दरवाजे पर बच्चा अच्छा है, बड़ा आज्ञाकारी है, कोई तमन्ना नहीं रखता है, कोई को प्यार से समझाए भी सकते हैं,
इसके लिए किसको जानना भी जरूरी है। अनेक प्रकार की युक्तियां होती हैं समझाने की। बाप कहते हैं मैं तुमको बड़ा डिप्लोमेट बनाता हूं, वो दुनिया वाले तो डिप्लोमेट राजदूत को कहते हैं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में भी ये बात याद रहनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाबा हमको डायरेक्शन देते हैं, तुम उन डायरेक्शंस को धारण करके औरों को भी बाप का परिचय देते रहेंगे तो साफ खुश होते रहेंगे। तुम्हारे सिवाय बाकी तो सभी नास्तिक हैं। तुम हो आस्तिक क्योंकि तुम एक बाप के ऊपर आस्था रखते हो, और वो भी बाप को पहचान करके आस्था रखते हो। दुनिया में तो भगवान बाप को कोई जानते ही नहीं, यदा कदा कोई जान भी लेते हैं तो आज जानते हैं कल आस्था टूट जाती है। तो फिर उन्हें आस्तिक हैं या नास्तिक हैं? तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, कोई नास्तिक भी हैं, क्योंकि बाप को याद ही नहीं करते हैं। खुद भी कहते रहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, तो नास्तिक ठहरे ना। ऐसा बाप जो तुमको साहब ज्यादा से शाह ज्यादा बनाते हैं वो याद भी नहीं रहता। ये बात समझने में भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप कहते हैं मैं हर 5-4 वर्ष के बाद आता हूं, और आकर के तुम्हारे द्वारा ही कार्य कराता हूं। करण करावन हार हूं ना, तुम वारियर्स कितने अच्छे हो। तुम बच्चे ही वंदे मातरम गाए जाते हो, तुम्हारी वंदना की जाती है, प्योरिटी की ही वंदना की जाती है। तुम ही पूजित है, तुम ही पुजारी बनते हो। अभी तुम फिर श्रीमत पर पूज्य बन रहे हो, तो तुम बच्चों को बड़ी शांति से औरों की सेवा करनी चाहिए। थोड़ा भी अहंकार या क्रोध नहीं आना चाहिए। अशांति का वाइब्रेशन बिल्कुल न फैले, नहीं तो जिनकी रग रग में भूत होता है उनकी रग रग को बाबा देखते रहते हैं। कैसे वाइब्रेशन खराब कर देते हैं। नाम सेवा का लेते हैं, फिर देखो उनकी चलन कैसी है। तो बाबा कितना नशा दिलाते हैं। बाप के साथ पूरा योग हो तो शिव बाबा की यज्ञ से तुम्हारी फर्स्ट क्लास सेवा हो, परंतु अपने ही दुखों में चलते रहते हैं, मरते रहते हैं, एक दूसरे को अपने दुखों का ही वर्णन करते रहते हैं, कोई सर्विस नहीं करते।
खाते ही रहते हैं, फिर 21 जन्म सेवा करनी पड़ेगी। सेवा करने वालों को दास दासियां कहा जाता है। पिछाड़ी में सबको अपनी सर्विस का साक्षात्कार होना है। बाप की दिल पर तो सर्विस उन बच्चे ही चढ़ेंगे। बाबा को देखो, बच्चे को एरोप्लेन में भेज दिया खजाना पहुंचाने के लिए, ये सर्विस में मदद करनी होती है। ब्रैकेट में लिखा है, कल भाऊ विश्वरतन अहमदाबाद से एरोप्लेन में बंबई गए। बाप दादा की मुरलियां टैप आदि पहुंचाने, रसद भी में ट्रेन का रास्ता खराब है, फिर भी गए। बाबा कहते हैं रीढ़ बकरियों को शेर दिल बनाना है, बंदरों को तुम शिवालय के लायक बनाते हो। है शिवालय में कहीं बंदर देखा? नहीं देखा। कंपिल के रामेश्वरनाथ मंदिर में जाकर के भी नहीं देखा है? क्या देखा है? शिव के मंदिर में सामने ही किसकी मूर्ति खड़ी हुई है? अंदर हनुमान की मूर्ति भी शिवलिंग के सामने ही खड़ी हुई है। तो बंदर है या मंदिर लायक है, क्या कहेंगे? पूजा तो करते हैं, तो पूजा पवित्र की जाती है या अपवित्र की जाती है? तुम्हारी सर्विस ही ये है, किसी को अमरलोकवासी बनाना। 7-8-68 की वाणी का तीसरा पेज। बाबा हिम्मत बच्चों को दिलाते हैं, धारणा करो, परंतु देह अभिमानियों को धारणा हो नहीं सकती है। तुम जानते हो, बाप को याद करके हम इस वैश्यालय से उस पार जाते हैं, तो सर्विस भी करके दिखाना है। बाबा तो चिट्ठियों में भी अभी लिखते रहते हैं, लाडले रूहानी साहबजादे साहबजादियां। अभी श्रीमत पर चलेंगे, महारथी बनेंगे, तो भविष्य में साहबजादे जरूर बनेंगे, अगले जन्म में या इसी जन्म में। अहम ऑब्जेक्ट ही तुम्हारी जीवन की ये है क्या? साहबजादे बनकर फिर शाहजादे बनना। एक ही सच्चा बाबा तुमको सभी बातें समझाते रहते हैं। सेवा करके औरों का कल्याण करना है। योग बल नहीं रहता तो ढेर की ढेर इच्छाएं पैदा होती रहती हैं। यह चाहिए, वह चाहिए, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो खुशी नहीं रहती है कि हम बेहद के वैरागी हैं। नहीं तो बच्चों के लिए खुशी जैसी खुराक नहीं। और तुम साहबजादों को तो बहुत ही खुशी होनी चाहिए। बहन है तो अनेक प्रकार की बातें आती हैं,
अरे बाप विश्व की बात साई दे रहे हैं, बाकी और क्या चाहिए। दिल में हरेक समझे कि हम इतने बड़े बाबा की क्या सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं सभी को मैसेज तो देते जाओ। क्या मैसेज? मैसेज में क्या देना होता है, है? अरे त्रिमूर्ति में तीन मूर्तियों की मैसेज है। भगवान आया हुआ है, नई दुनिया स्थापन हो रही है, पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है। और जो नई दुनिया स्थापन होनी है उसमें विष्णु द्वारा पालना भी प्रत्यक्ष होगी। मुख्य बात है साहब आया हुआ है। वास्तव में तुम वृद्ध हो, बल कितनी भी बड़ी सभा बैठी हुई हो, तुम बड़ी सभा में भी कह सकते हो अभी शिव भगवान वाच है। सभी प्रदर्श का एक ही वह बाप आया हुआ है। सभी कहते तो रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, परंतु इस बात का अर्थ भी समझाना है। कहते हैं तो कभी भाई भाई रहे होंगे ना, एक बाप प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष हुआ होगा ना। वो समय अभी आ गया है। भाई भाई को भाई भाई की मदद करना चाहिए, इस ख्याल से भाई भाई कह देते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं बच्चे तुम सभी भाई भाई हो, और बाप है ईश्वर की स्थापना करने वाला, परंतु हैविन बनाते हैं तुम बच्चों के द्वारा। सर्विस की युक्तियां बाप बहुत समझाते रहते हैं। मित्र संबंधियों को भी उठाना है। देखो बच्चे विलायत में हैं, वो भी सर्विस कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन लोग आपते आती हुई देखकर समझेंगे कि मरने से पहले हम अपना वर्षा तो ले लेंगे। अपने मित्र संबंधियों को उठाते रहेंगे, पवित्र भी रहते हैं। बाकी भाई भाई की अवस्था बन जावे ये जरा मुश्किल है। वो अवस्था तो होनी ही है पिछाड़ी को। बाप तो अभी साहबजादों का टाइटल कितना अच्छा देते हैं, अपन को देखना चाहिए। सर्विस नहीं करेंगे तो हम क्या बनेंगे? सर्विस के आधार पर ही मालाएं बनेंगी। मन के ऊपर नीचे दाएं बाएं का स्थान पावेंगे। अगर कोई ने ईश्वरीय सेवा में तन मन धन से जमा नहीं किया है और सर्विस नहीं करते हैं तो समझो सभी खा करके खलास कर दिया। अगर सर्विस भी करते रहे तो कुछ जमा भी होता रहे। जो जमा किया वो खाते खाते चुकतू हो गया, फिर जन्म जन्मांतर के लिए उनके खाते पर चढ़ जाता है। सर्विस करने वालों को कब ख्याल भी ना आए कि हमने इतना दिया। हम अपना दिया हुआ खाते हैं,
क्या ख्याल आना चाहिए है? जो हमने दिया वो भविष्य में लेने के लिए दिया है, और जो यज्ञ से खाते हैं वो हम बाप का खाते हैं। उल्टा विचार नहीं आना चाहिए। बाकी हाँ, जो सर्विस ही नहीं करते हैं वो क्या बनेंगे? यहाँ तो बच्चे आते हैं, कुछ न कुछ लाते हैं, उनसे सभी की परवरिश होती है। इसलिए जो लाने वाले हैं उनकी खातिरी भी करते हैं। समझना चाहिए कि वो हमको खिलाने वाले हैं, तुमको उनकी सेवा करनी चाहिए, खुशी देनी चाहिए। ये बल पूर्व जन्मों का हिसाब किताब भी है। मनसा वाचा कर्मणा उनों की सर्विस ही नहीं करेंगे तो तुमको अनेक जन्म की खुशी कैसे मिलेगी? भोजन भी शिव बाबा को याद करके बनाना है तो उसकी ताकत तुमको भी मिलेगी, और यज्ञ में धन अर्पण करने वालों को भी मिलेगी। दिल से पूछना चाहिए हम क्या क्या करते हैं, सभी को राजी करते हैं या दुखी करते हैं? जो मारथी बच्चे हैं वो कितनी सर्विस कर रहे हैं। बाबा रेख जी इन पर चित्र बनाने की भी कोशिश करा रहे हैं। ऐसे रेख जी इनके चित्र हो जो फोल्ड किए जा सके और कभी टूटे फूटे भी नहीं, ता भी ले जा सकते हैं। बाबा के बच्चे बैठे हैं, देखेंगे इतने चित्र बन रहे हैं, आप ही भेज देंगे, नहीं तो निराकार बाप पैसे कहां से लावेंगे? समझना चाहिए ये सभी सेंटर्स कहां से चलते हैं, बच्चे ही तो चलाते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है, आगे चल के तुमको आप ही कहेंगे हमारा मकान तुम काम में लगा दो। फिर तुम यह भी कहेंगे अभी तो टू लेट हो गया। ये कैसे? कोई अपना मकान महल देता है, इसमें ईश्वरीय सेवा करो, तो उनको ये कैसे कह सकते कि टू लेट हो गया अभी हमें नहीं चाहिए है? टू लेट कब हो जाएगा? अब टू लेट हो जाएगा जब तुम परम धाम को इस सस्ती पर उतारेंगे, फिर ये मकान दुकान आदि का क्या करेंगे? बाप तो है ही गरीब निवाज, गरीबों के पास पैसे कहां से आए? कोई तो करोड़पति पद्मपति भी हैं, ऐसे भी हैं 150 करोड़ भी कोई कोई के पास हैं। वो तो समझे बैठे हैं हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। बाबा कहते हैं ये है माया का पंप, वास्तव में उनका पतन हो रहा है। सतयुग को तो स्वर्ग कहा जाता है, इस कलयुग में फिर स्वर्ग कहाँ से आया? इतना दुख अशांति आप घात करते रहते हैं, उनको स्वर्ग कहा जाएगा क्या? बाप कहते हैं तुम भी पहले हराम जादे थे,
फिर अभी साहबजादे बने हो, फिर साहबजादे से शाहजादे जाकर के बनेंगे, परंतु इसके लिए इतनी सर्विस भी कर करके दिखाओ, बहुत खुशी में रहना चाहिए। हम साहबजादे हैं, फिर शाहजादे बनने वाले हैं। शाहजादे तब बनेंगे जबकि बहुतों की सर्विस करेंगे, बहुतों को राजी करेंगे। कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद। क्या नमस्ते।